बुलंदशहर जिले से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेस वन निर्माण के लिए 79 किसानों की भूमि अधिग्रहण की दर निर्धारित हो गई है। गुरुवार को दर निर्धारित समिति ने इन किसानों को सकल रेट से 4 गुना भुगतान करने पर मुहर लगा दी है। साथ ही परिसंपत्तियों का अलग से मुआवजा दिया जाएगा। अब जल्द ही किसानों से जमीनों के बैनामे कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा आसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2019 को मेरठ से प्रयागराज का सफर आसान बनाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की। बुलंदशहर की स्याना तहसील के कुचेसर, इकलेडी, पोटा, कबूलपुर, बीहटा, बेनीपुर, हिंगवाड़ा, लाड़पुर गांवों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इन 8 गांवों की अधिकांश भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। 79 किसानों की 2.168 भूमि अधिग्रहण होनी शेष है। अधिग्रहण से पहले इन किसानों से दावे एवं आपत्ति मांगे गए, जिन्हें जमा करने एवं सुनवाई के लिए 8 अगस्त तक का समय दिया गया। करीब 15 लोगों में से अधिकांश ने भूमि अधिग्रहण पर सहमति जताई, जबकि 2 ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई, जिनको 18 अगस्त तक निस्तारित करके भूमि अधिग्रहण के लिए दर निर्धारित करना था। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद गुरुवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय दर निर्धारित कमेटी ने भूमि अधिग्रहण की दर निर्धारित की है। परिसंपत्तियों का भी मिलेगा मुआवजा। समिति ने संबंधित गांवों के सकल रेट के 2 गुने और 100% सोल्यूशन के आधार पर भूमि अधिग्रहित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार इन गांवों के 79 किसानों को भूमि के सकल रेट की 4 गुना धनराशि मिलेगी। इसके अलावा परिसंपत्तियों का भी मुआवजा देने के लिए दर निर्धारित की गई है। इन परिसंपत्तियों में 2 मकान एवं फार्म हाउस शामिल हैं। उनके कवर्ड एरिया के लिए लोक निर्माण विभाग ने मूल्यांकन कराकर दर निर्धारित कराई गई है। इन्होंने कहा, गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 79 किसानों की 2.168 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण होनी शेष है। समिति ने इन किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए दर निर्धारित कर दी है। इन सभी किसानों को सकल रेट का 4 गुना भुगतान किया जाएगा। मीनू राणा, सिटी मजिस्ट्रेट।